हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। दोस्तों, ऑनलाइन गुरुजी के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस विभाग से आई हुई भर्ती के बारे में, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो के नीचे देखिए लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए, जिससे हमारी बनाई हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क है एकदम, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे सरकारी जॉब की पल पल की अपडेट दी जाती है, तो अगर आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस विभाग से आई हुई भर्ती के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं। आप देख रहे हैं गूगल पे, मैंने इस समय गूगल का क्रोम का पेज खुला हुआ है, ठीक है, क्रोम का पेज खुला हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं मैं यूपी, ठीक है, upppb.gov.in पे, ठीक है, इसे अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे ही हम लोग इसे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट। देखिए, मैं वन बाय वन आपको लेके जा रहा हूँ, जिससे आप फॉर्म भी भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आप फॉर्म बहुत ही इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए पहला लाइन जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लक्ष्य उद्देश्य, यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, ठीक है। तो इसी की बात मैं कर रहा था, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। जैसे ही मैंने क्लिक इसे किया तो आपके सामने एक पेज खुल गया, देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर, ठीक है, पुलिस विभाग भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, तुलसी विभाग यहाँ पर है। और इसको देखिए अप्लाई का डेट देख लीजिए, सॉरी, ये दिनांक कब जारी किया गया है, ये 17 जनवरी को ये जारी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको और साफ दिखेगा, अब हमारे ख्याल से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो 17 जनवरी को दिखाया गया है, ठीक है। और PRV संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आते हैं नीचे, हाँ देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है, यहाँ पे ऑनलाइन की डेट दी, देखिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से बताया गया 18/1/19, यानी आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इंटर लेवल का ये बच्चे से भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि देख सकते हैं 9/2/19 तक है, ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/2/19 यानी 9 फरवरी तक आप भर सकते हैं। चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी तक है, ठीक है। ये पूरा जो फॉर्म है इस वेबसाइट पर भराएगा, मैंने दिखा भी दिया था स्टार्टिंग में ही, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको उस चीज़ पे ले गया था, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए देखा जाए, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के लिए जेल वार्डन एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डन के पदों पर सीधी भर्ती। सन 2016 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व से निर्गत विज्ञापित संख्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, दिनांक 20/12/16 को निरस्त करते हुए जेल वार्डन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, ठीक है, घुड़सवार के लिए जो पदों पर भर्ती हो रही है, ये के अंतर्गत रिक्त पदों पर वेतन मैट्रिक्स लेवल रुपये, देखिए 21,700 से 69,100 रुपये के रिक्त पदों पर भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जाने हेतु, यानी जो आपका वेतन मिलेगा यहाँ आपका दिखा दिया गया है 21,700 से लेकर, ठीक है, 69,100 रुपये तक इसका वेतन है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 29/11 का विज्ञापन संख्या है ये, ठीक है। और बोर्ड की वेबसाइट की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जारी की गई है इस
क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 18/1/19 से 9/2/19 तक स्वीकृत की जाएगी। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया है। इसे क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें इंटर मांगा गया है। ठीक है, इंटर लेवल का ये है। अगर आप इंटर किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक नोटिस आई थी, एक ही पेज की थी, तो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो आवेदन पत्र भरने जाने की जो लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है ये बताया गया। और दूसरे में देखा जाए, देखिए उत्तर प्रदेश का जो दूसरा नोटिफिकेशन है, ठीक है, दो नोटिफिकेशन है, ये अगला दूसरा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का जो अग्नि सेवा में फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, फायरमैन। ठीक है, फायरमैन आपको मालूम है आग बुझाने वाला, और डेट वोट्स बाकी सब वही डिटेल है। ठीक है, पूरी डिटेल वही है, ऑनलाइन भरने की डेट, लास्ट डेट, ठीक है, बाकी सब वही है। तो वो घुड़सवार के थी, ये देख सकते हैं, 17 का ही न्यूज़ है ये भी। ठीक है, और तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर से एक नई जॉब के लिए लेकर आएंगे आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब की सभी नोटिफिकेशन दी जाती है। ठीक है, और कोशिश की जाएगी कोई भी गवर्नमेंट जॉब को छूटे ना। ठीक है, और बाकी डिटेल अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं जब फॉर्म इसे अप्लाई करना इस साइट पर आइएगा तो पूरा डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको इस साइट पर लाया हूँ कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं। गुड डे, बाय एंड टेक केयर।